तो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर फ्रेश व्लॉग। तो जिसका मुझे इंतज़ार था, जो कि एक मेरी गेमिंग चेयर है जो कि आप थंबनेल से रिवील ही कर लिया होगा, वो फाइनली आ चुकी है और ये रही पीछे वो गेमिंग चेयर। तो फटाफट से इसको अनबॉक्स करते हैं और इसके जितने भी जो भी फीचर्स वगैरह होंगे वो मैं आपको सब इस वीडियो में कवर करके बताऊँगा। तो लेट्स गो और करते हैं इसको जल्दी से अनबॉक्स। सो गाइस, ये है साइबो होम। यहाँ पे इसकी आपको इसकी ब्रांडिंग मिल जाएगी, साइबो होम की ये चेयर है। मेरे को चाहिए थी कोई अच्छी सी सूटेबल चेयर अपने लिए। मैंने अमेजोन पे देखा कई जगह, तो मेरे को सबसे बेस्ट और बजट फ्रेंडली चेयर ये लगी। अब जल्दी से करते हैं अनबॉक्स और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ है। तो अब इसे खोल के यार फटाफट करते हैं इसे जल्दी से अनबॉक्स। मेरे को बहुत ज़्यादा ही एक्साइटमेंट फील हो रही है। इसे हटाते हैं साइड में और ये पिलोज वगैरह है। तो ये हमारा जो है, सबसे पहले ये हेड का पिलो आ जाता है। काफ़ी सॉफ्ट है, इसकी कुशनिंग अच्छी दे रखी है इन्होंने। फैब्रिक मटेरियल से बना हुआ है और इसके पीछे ये डिटैचेबल बेल्ट है, सो दैट वी कैन शिफ्ट इट अप एंड डाउन। दूसरा ये हमें एपिक्स क्रूशेडर का, जो कि इसकी ब्रांड है गेमिंग चेयर की, उसका यहाँ पे बैजिंग दी गई है। इसके साथ साथ ही लंबर सपोर्ट है और बैक के लिए, और ये डिटैचेबल और अटैचेबल बोथ है, बेल्ट के साथ दे रखा है। बढ़ते हैं, ये कुछ काफ़ी भारी सा बॉक्स है, इसके अंदर देखते हैं क्या है। ये कुछ शॉकर टाइप का शायद, जिसके ऊपर हमारी चेयर जो है रेस्ट करेगी, मतलब शॉकर टाइप का ये कुछ। उसके इसके अंदर भी मिल जाते हैं वो टायर्स है, निकलता ये इसके कुछ टायर्स दे रखे हैं, इसे भी रखते हैं साइड में। और अदर गाइस, ये हमें स्क्रूज और ये एलन की वगैरह मिल जाती है इसके अंदर, इफ यू कैन सी इट। काफ़ी टाइट फिटिंग कर रखी है उन्होंने इसकी पैकिंग की। तो ये कुछ इसकी ऐसी फिटिंग है, ये व्हील बेस है हमारी चेयर का। फटाफट से इसके पोलोथिन हटाते हैं। काफ़ी हार्ड प्लास्टिक का, काफ़ी मजबूत बना हुआ है, अच्छा व्हील बेस है इसका, मेरे को काफी पसंद आया इतने बजट की चेयर में। इसको भी रखते साइड में। बढ़ते हैं, हमें एपिक्स क्रू शेडर का ये कुछ ऐसे गेमिंग चेयर, जो कि पूरी असेंबल होने के बाद कुछ ये ऐसी लगेगी। और इसके पीछे ये इंस्टॉलेशन स्टेप विद डायग्राम्स दे रखे हैं, कुछ ऐसा है दे रखे। ये काफी अच्छी चीज है, अगर किसी को इंस्टॉल करना हो तो इसे देख के इंस्टॉल करता हूँ। तो ये है गाइज हमारा जो आर्मरेस्ट है चेयर का, काफी अच्छा था, क्रोकोडाइल साइज का मुंह लगा मेरे को। ये है गाइस हमारा जो कि दूसरा आर्मरेस्ट, इसे भी फटाफट निकालते हैं, बहुत दिन से अलग करते हैं। ये हमारा दूसरा आर्मरेस्ट है, इसकी जो कुशनिंग है, इसकी कुशनिंग भी काफी अच्छी है और स्मूथ दे रखी है, एकदम ही फैब्रिक से बना हुआ है। तो गाइस हमें ये मिल जाती है इसकी सीट, जो कि ये चेयर की सीट है, ये चेयर की सीट मिल जाती है हमें। अब इसमें चढ़ा दें फटाफट से पॉलिथिन। हमारी सी है जो कि काफी स्मूथ है, काफी स्मूथ सिल्की टाइप, इसकी कुशनिंग अच्छी है। और इसके पीछे से हमें इसका ये लेग सपोर्ट मिल जाता है गाइस, उसका जो है लेग सपोर्ट दिया हुआ है, काफी अच्छा है, कुशनेबल है। इसे हम ऐसे उसमें से निकाल के इसे ऐसे यूज कर सकते हैं, यू कैन पुट योर लेग्स हियर अगर रेस्ट करना हो। इसकी भी कुशनिंग काफी अच्छी है, फैब्रिक मटेरियल से बना हुआ है, काफी पसंद है रेंज के अंदर, जो कि इसका प्राइस। बढ़ते हैं आगे, ये कुछ गाइस इसका कुछ ये बैक का साइड सपोर्ट वगैरह दे रखा है, जिसपे हमारी जो है चेयर आएगी। और ये कुछ ऐसा गन टाइप लग रखा है, ये कुछ गन टाइप है, देखते हैं इसे इंस्टॉल करेंगे तो पता लगेगा। ये कुछ हैवी सा सामान है, ये हटा देना फटाफट। ये कुछ इसका हाइट एडजस्ट करने का दिया हुआ है इधर, एज यू कैन सी गाइस, ये हाइट एडजस्ट करने का, और ये शायद रिक्लाइनर, ये हाइट एडजस्ट करने का और ये रिक्लाइन करने का है। लास्ट नॉट द लीस्ट, बट वी हैव आ चुकी है हमारी गेमिंग चेयर बैक सपोर्ट गाइस। और ये मेरे को काफी जो है बढ़िया और बेहतरीन लगा, फटाफट से इसकी पॉलिथिन हटाते हैं। ये कुछ ऐसी मिल जाती है, इसे आपको ऐसे पीछे से, जैसे पीछे से मिल जाती है एपिक क्रू शेडर की, यहाँ पे ऐसे वो दे रखे हैं, काफी ये मजबूत है, अच्छी इसमें कुशनिंग दे रखी है साथ साथ। और ये कुछ ऐसी दिखती है, यू कैन हैव अ लुक राइट हियर, मेरे को काफी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लग रहा है यार, गेमिंग चेयर आ गई। जैसे इंस्टॉलेशन गाइस, तो गाइस ये है हमारा व्हील बेस, फटाफट से इसके अंदर लगा दे हैं।
स्टेप टू वी हैव टू पुट दिस। तो गाइस ये आ चुकी है हमारी कुछ सीट, अब फटाफट से इसमें करते हैं रिक्लाइनर इंस्टॉल। तो फटाफट से करते हैं यार इसको इन स्क्रूज़ के पॉइंट के ऊपर इंस्टॉल, और फटाफट से जो इसमें हमें चार स्क्रू दे रखे हैं वो लगाते हैं। नाउ गाइस इट्स स्टेप टू, दिस इज एलन की। अब एलन की जैसे फटाफट से टाइट कर देते हैं, मेरा टाइम वेस्ट किया वो भी। गाइस अब इसे डालते हैं फटाफट से जो हमारी बैक रेस्ट है चेयर का, और इसे करते हैं जल्दी से इंस्टॉल। गाइस ये इसका बन चुका है, ये ऐसा व्हील बेस। अब आगे के इंस्टॉलेशन करते हैं हम। तो यार ये इसकी गाइस आ चुकी है इसकी ये सीट, क्योंकि इसके पीछे ये मैंने मैकेनिज्म पूरा, इसकी जो ये मशीन है पूरी इंस्टॉल कर दी है। अब इसके ऊपर इसे रखते हैं ऊपर, और फिर हमारा 50% ऑफ द वर्क जो है कंप्लीट हो जाएगा। ये हमने इसके ऊपर रख दिया, हमारा ऑलमोस्ट 50% ऑफ द वर्क कंप्लीट हो गया। तो गाइस ये रहा इसके पीछे का बैक सपोर्ट, इसमें मैंने पीछे तीन इसमें 1-2-3 स्क्रूज लगा दिए हैं। अब इसको इसमें धीरे से इसको फिट कर दे। और ये गाइस इसमें फिट हो चुका है कुछ इसके जो है साइड के आर्म रेस्ट फटाफट से, और ये हमने इसमें स्क्रू पहले डाल रखे हैं और फटाफट से इसे लगाते हैं इंस्टॉल, और फिर हो जाएगी हमारी चेयर रेडी। स्क्रू फटाफट से करते हैं इसको इंस्टॉल। जो हमें यहाँ पे बैजिंग दी गई इंसर्ट करेंगे। एक हो चुका है सेकंड वन, हम इसे ऐसे नीचे की तरफ इसे एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसे नीचे एडजस्ट कर सकते हैं, और इसे हम ऐसे ऊपर की तरफ एडजस्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल इसे नीचे साइड पिलो है जो इसके पीछे हमें ऐसे अटैच करना है, और फिर ये हमारी पूरी चेयर की इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके पीछे ऐसे करते हैं, हमारी गाइस हो चुकी है सॉल्यूशन फाइनली की। तो ये अपसाइड डाउन बहुत दबेज हो सकती है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इससे ऐसे नीचे जाती है, और इसको पूरा ऊपर की तरफ क्लिक करेंगे तो ये ऐसे ऊपर हो जाएगी। साथ ही साथ इसमें आपको एडजस्टेबल सामने और पीछे की ऊपर नीचे एडजस्ट नहीं हो सकते, जैसे कि अगर हम इसको पीछे से इसे रिक्लाइन करते हैं तो आप देख सकते हो उसके साथ साथ ये भी आगे पीछे जा रहा है, ये देखो। और ये 135 डिग्री के एंगल तक ही सिर्फ रिक्लाइन हो सकता है, और साथ ही साथ इसमें ये लेग सपोर्ट भी मिल जाता है आपको, क्योंकि मैं भी दिखाता हूँ ऐसे करके ये इसमें हम अपनी लेग रख सकते हैं, और ऐसे इसके पीछे करके ये रिक्लाइन हो सकती है चेयर, ये काफी कंफर्टेबल है। लाइज हम इसके नॉब को एडजस्ट करके इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, मैं आपको करके ये देखिए इससे ऊपर हो जाती है ये, इसका एडजस्ट करके ये नीचे हो गई, ये ऊपर हो गई, ये नीचे हो गई, इसे नॉब से एडजस्ट कर सकते हैं। अभी फिलहाल इसे हम टाइट कर देते हैं। हे गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपना एक्सपीरियंस जरूर कमेंट करके जाना कि आपको कैसा लगा मेरी चेयर देख के। और ये चेयर मेरे को अप्रोक्सीमेटली 12,000 की पड़ी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन के लिए बाय बाय।